सब्सक्राइब करिए माला के रसोई चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम दूध फाड़ने जा रहे हैं जिसका हम पनीर बनाएंगे। तो देखिए आज हम दूध किस तरह से फाड़ते हैं। ये 2 किलो दूध है, अभी तो हम इसे गैस पे रखे हैं, थोड़ा इसे उबाल आने तक हमें इंतज़ार करना है। तो इन्हें थोड़ी थोड़ी देर पे हमें चलाते रहना है ताकि ऊपर मलाई न जमने पाए। तो देखिए हम इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए इन्हें एक बॉयल अच्छी बॉयल आने तक हमें इंतज़ार करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दूध हमारा बॉयल हो गया। अब गैस का एकदम आंच हम धीमी कर देते हैं और उसके बाद देखिए ये 2 नींबू का रस है, उसमें हम 2 चम्मच पानी मिलाए हैं। तो अब हम गैस को बिल्कुल धीमा कर दिए हैं और इसमें नींबू का रस डालते हुए हमें धीमे धीमे इसे चलाते हुए फाड़ना है। तो इस तरह से चलाते रहना है। बस अब हम गैस का आंच को बंद कर दे रहे हैं और इन्हें इसी तरह से हम चलाते हुए दूध फाड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा अब फट रहा है। तो थोड़ा सा भी अब हम और ये नींबू का रस डाल दे रहे हैं। दूध हमारा अब फट गया है, देखिए अच्छी तरह से दूध हमारा फट गया है और गैस का आंच हम बिल्कुल बंद कर दिए हैं। तो इन्हें हम उतार कर किसी कपड़े में हम छानते हैं। तो देखिए ये कटोरा है और इस पे हम एक सफ़ेद कपड़ा है, इसको हम इस पे रख देते हैं और उसके बाद ये दूध जो हमारा है तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फट गया है। अब इसको हम इस कपड़े में छान लेते हैं। इसमें हम पनीर को गिरा दे रहे हैं। अब इस कपड़े को हम आराम से इस तरह से पकड़ते हुए थोड़ा सा हम इन्हें ठंडे पानी में हम इन्हें ठंडे पानी से वॉश कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा पनीर जो है अच्छी तरह से ठीक हो जाए ठंडा मिलने पे। और देखिए इस तरह से जो है इस तरह से थोड़ी देर हमें पकड़े रहना है। देखिए अब पनीर को हम इस तरह से इस पे हम रख दे रहे हैं स्लेब पे ही और उसके बाद इस कटोरे में पानी है, इस कटोरे के पानी से हम थोड़ी देर के लिए बस दाब दे रहे हैं 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हमारी पनीर एकदम बिल्कुल परफेक्ट अपने आकार में आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों पनीर हमारा अच्छी तरह से ठीक हो गया है। ये पानी हम रखे थे, आप अगर चाहें तो इस पे चकला रख सकते हैं, कोई भी वजन चीज रख के आप इन्हें दबा सकते हैं। देखिए एकदम मार्केट जैसी पनीर हमारी बन के तैयार हुई है। तो
प्लीज आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।